तो हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग और आपको स्वागत है बीस टीवी में। तो आज हम बात करने वाले हिस्ट्री के बेस्ट सर्वाइवल सीरीज के बारे में, जिसमें आपको सब कुछ देखने के लिए मिल जाएगा, और जैसे कि एक्शन और फैन सर्विस और बहुत सारी डेथ। और इस सीरीज का नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। और इस सीरीज का जो मेन कैरेक्टर अलसु है, वो टोक्यो में रहता है और बहुत बड़ा गेमर है। लेकिन सब कुछ अचानक से चेंज हो जाता है, क्योंकि सब कुछ अचानक से टोक्यो से गायब हो जाते हैं। और अलसु और उसके दोस्त ही अकेले टोक्यो में रहते हैं। और फिर इन्हें ये पता चलता है कि ये लोग यहाँ गेम नहीं खेलेंगे तो ये लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और इस सीरीज में बहुत ज्यादा ट्विस्ट है, और आपको मैं पहले ही बता रहा हूँ कि 18+ है और इसमें बहुत ज्यादा खून खराबा है। और इस सीरीज के 2 सीजन है टोटल, और जो इस सीरीज का जो आखिरी एपिसोड है ना, वो आपका दिमाग ही खराब कर देगा, क्योंकि उसे एक एपिसोड में इतने ज्यादा ट्विस्ट हैं जो आप लोगों ने सोचे नहीं होंगे। और आज से मैं सर्वाइवल सीरीज का रिव्यू करने वाला हूँ, और आपको ऐसी सर्वाइवल सीरीज देखनी है और आपको उनके रिव्यू चाहिए तो सब्सक्राइब टू बीस्ट टीवी। और आधे से ज्यादा लोगों को लग रहा होगा कि ये स्क्विड गेम की कॉपी है, तो मैं उन्हें बता दूं कि ये स्क्विड गेम से पहले रिलीज हुई थी। और दोनों में डिफरेंस ये है कि स्क्विड गेम इंडिया में बहुत ज्यादा फेमस हो गई है, लेकिन एलिस इन बॉर्डरलैंड इंडिया में इतनी फेमस नहीं हो पाई। और इस सीरीज में हद से ज्यादा मिस्ट्रीज है, और शुरू शुरू में आपको समझ नहीं आएगा कि इस जगह में हो क्या रहा है, कि अचानक से इतने सारे लोग गायब कैसे हो सकते हैं। और आप सबको इन सब के जवाब आखिरी एपिसोड में मिलते हैं। और जो इस सीरीज का जो राइटर है, वो इंसान की ट्रू नेचर को दिखाना चाहता था इस सीरीज के जरिए। और इस सीरीज का नाम है एलिस इन बॉर्डरलैंड। क्या आप इस सीरीज को ट्राई करोगे? और सायोनारा।